हेलो गाइस, वेलकम टू माय नॉर्मल लाइफ स्टाइल चैनल। मेरे चैनल पे आपका वेलकम है। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मसाले वाले राजमे की रेसिपी। मैं कश्मीरी राजमा बना रही हूँ, ये ब्राउन कलर का होता है। तो चलिए आपसे आज मैं शेयर करती हूँ राजमे की रेसिपी। ऑयल देखिए मैंने रख दिया है, मैं कुकर में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको हांडी या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बहुत ही अच्छा बनता है, अच्छे से गल जाता है। अभी मैंने राजमे को देखिए रात भर भिगो दिया था और इसको बॉईल कर लिया। बस एक सीटी लीजिएगा, ज़्यादा ना गलाइएगा, बॉईल करके रख दीजिए। अब सबसे पहले चाहिए मुझे ऑयल, जो मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है। देखिए मेरा ऑयल हो गया है। अब हमको सबसे पहले इसमें दो प्याज और एक तेज़पत्ता और एक छोटा तेज़पत्ता, दो तेज़पत्ते ले लीजिए और दो प्याज, छोटी हो तो दो प्याज ले लीजिए, बड़ी हो तो एक गांठी, जिसको आपको छौंकने के लिए मसाला लेना है। प्याज को गुलाबी होने दें। आप कोई से भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, चाहे आप सफोला का फॉर्चून ऑयल ले लीजिए, चाहे आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। मैंने तो सफोला लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी, कुछ लोग खाना पसंद करते हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और टेस्टी बनेगा। प्याज हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ सबसे पहले क्या डालना है। ज़्यादा प्याज जलाना नहीं है, बस गुलाबी होने दीजिए, चला दीजिए एक बार ऐसे करके घुमा दीजिए। अब देखिए ये पांच गाठी प्याज है, जिसमें मैंने धनिया पाउडर दो चम्मच लिया है और दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो टुकड़ा दालचीनी, दो चार लौंग, दो काली मिर्चें और जावित्री, थोड़ा सा जायफल। इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसको डाल देंगे, तेल हो गया है। अब दो चम्मच अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट देखिए डालेंगे, ये दो टीस्पून है अदरक लहसुन, मैं घर में ही पीस के रख देती हूँ कंटेनर में। अब इसमें रफली चॉप करे हुए तीन टमाटर डाल देंगे। जब मसाला भूनता है तभी आप डाल दीजिए, सब अच्छे से भून जाता है। थोड़ा सारा धनिया डाल दीजिए फ्लेवर के लिए, मसाले में ही तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है जब मसाले में हरे धनिया का फ्लेवर आता है। बनने के बाद आप हरा धनिया और डालिएगा, लेकिन मसाला भुनते में भी डाल दीजिए। अब सूखे मसालों में क्या लेना है चलिए आपको दिखलाते हैं। सूखे मसालों में लेना है आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल पिसी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर मैंने प्याज के साथ ग्राइंड कर लिया था इसलिए ज़रूरत नहीं है, और गरम मसाला भी पीस लिया था। थोड़ा सा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये चिकन मसाला है एवरेस्ट का, 5 रुपए का मिलता है, थोड़ा सा आप ये भी इसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुछ भी बनाइए आप मसाले का तो आप इसको मिला दीजिए। ये भी मसाले ड्राई वाले भी आप मसाला भूनते में डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं मोबाइल को खुद लेके हाथ में बना रही हूँ इसलिए आपको शायद सही से ना दिख पाए। अब मसाला भुनने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पांच मिनट मसाले को धीमी आंच पे भुनने देंगे, फिर आपको दिखलाते हैं क्या करना है। मसाले को खुला भुनना है, ढकना नहीं है, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए, ऐसे खुला भूनिए मीडियम आंच पर। देखिए मेरा मसाला तो भून रहा है, जो राजमा हमने रात भर भिगोया था और बॉयल किया था, एक सीटी लिया था, तो राजमे को देखिए ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इतनी हद तक गलाना है कि इसके दाने टूटे भी ना और ये गल जाए, इस तरह देखिए, ये देखिए। और आप जब कुकर में डालेंगे तो बस एक ही सीटी लेंगे जब मसाला भुन जाएगा। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन रहा है।
अभी ये इसका ऑयल अलग हो जाएगा और सब चीज़ें इसमें टमाटर वगैरह नहीं दिखेंगे, गल जाएंगे। इतना ही भूनना है बस। और राजमे तो गल ही चुका है, बस एक सीटी और लेना है। तो अब देखिए मेरा राजमे का मसाला रेडी हो चुका है, बिल्कुल भून चुका है। इसका ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। ये गाइस इसकी पहचान है कि जब ये ऑयल अलग हो जाए समझिए मसाला भून गया है। अब हम इसमें ये जो बॉयल वाला राजमा है इसको हम डाल के 5 मिनट तेज आंच पर और भूनेंगे। पाँच मिनट हम तेज आंच पे भूनेंगे ताकि ये अच्छे से फ्लेवर राजमे में मिक्स हो जाए। फिर हम अपने टेस्ट के मुताबिक जो भी पानी जितना गाढ़ा हमको रखना है थोड़ा ही मिलाइएगा, राजमा गाढ़ा होता है। अभी तो हम 5 मिनट इसमें डाल के भूनेंगे। तो देखिए मसाले में मैंने राजमा डाल दिए हैं, अभी 2-3 मिनट हुए, अभी भून रहे हैं इसको। मसाले में 5 मिनट भूनना है कि अच्छे से फ्लेवर मिक्स हो जाए। चावल देख लेते हैं, राइस हमारे हो गए कि नहीं। देखिए चावल मेरे रेडी हो चुके हैं। मैं कुकर में ही राइस बनाती हूँ, झटपट आपको बनाना है तो मुश्किल से 5 मिनट में आपके राइस बन जाते हैं। बस राइस बनाने से पहले आप चावल को पानी में अच्छे से भिगो दें। राइस बनाने से पहले आप राइस को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दें, फिर बनाइए। बहुत अच्छे चिटके चिटके खिले खिले बनते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ चला कर। ये देखिए बिल्कुल छिटके छिटके बनते हैं कुकर में राइस। ये देखिए बस आप भिगो ज़रूर दीजिएगा 15-20 मिनट पहले। आज राजमा और राइस खाया जाएगा डिनर में। अब 5 मिनट हो चुके हैं, फिर पानी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, गला हुआ राजमा है, बस एक सीटी और लेंगे और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अब एक सीटी के बाद हम आपको दिखलाते हैं राजमा कैसा बना है। तो देखिए एक सीटी आ चुकी है, मेरा राजमा तैयार है। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे ऊपर से। देखिए कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, जल्दी बनता है कुकर में। इसलिए आप मेरी बात मानिए तो कुकर में ही बनाइए, कढ़ाई या हांडी में उतना अच्छा नहीं बनता है, कुकर में इतना लाजवाब बनता है। आप देख सकते हैं इसके आगे मटन भी फेल है, ऐसे ही बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो, रेसिपी सही लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा।